अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, और बम्बई में खासतौर अगर इवेंट हो तो और भी अच्छा लगता है, एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। तो एंजॉय कीजिए और एंजॉय द इवनिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, काफी लोग आपसे मिलने करेंगे, अब थोड़े भीड़ तक थोड़ी शांत हो, शांत हो ना, आगे बहुत ज्यादा शांत है, थोड़ा ताली आ जाए बड़ा के लिए। ये बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं, हम मैं अक्सर आया जाया करता हूँ और हर छोटे बड़े प्रोग्राम में रहता हूँ। ये हमारे शैलेश पटेल जी ने, मोना जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो दोनों बच्चों को मैं अपने दिल से दुआएं और आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि शैलेश पटेल से मेरे बहुत ही पारिवारिक संबंध है, मोना जी से, इनसे। तो ये लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, अवार्ड तो एक बहाना है, इस बहाने हम एक परिवार की तरह मिलते हैं। हम लोग दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, कई तो बम्बे के बाहर से आते हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये अवार्ड उन लोगों के लिए होता है कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए या हमारे समाज के अलावा हमारे देश के लिए जो अच्छा काम किए हुए हैं, या अपने एरिया के लिए जो अच्छा काम किए हुए हैं जहाँ वो रहते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सब बातों के लिए जो ये सब मिलकर एक अवार्ड बनता है और उनका सम्मान जो इतने लोगों के बीच में किया जाता है, तो ये बहुत सराहनीय बात है। मैं शैलेश पटेल जी को, मोना जी को बहुत ही बधाइयाँ दूंगा, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा, खास करके आप चैनल वालों को बधाइयाँ दूंगा कि आप लोग भी समय समय पे आके हम लोगों को ऐसे ऐसे इवेंट में कवर करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं कि भाई हम लोग आए, और हमें देख कर फिर दूसरों का भी मोटिवेट बढ़ना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि ईश्वर भोलेनाथ, अल्लाह ताला शैलेश जी को बहुत कामयाब करे, उनके परिवार को कामयाब करे और ये शो उनका हमेशा सक्सेस हो। नमस्कार। सर मैम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं शैलेश भाई के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि शैलेश भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और उनका ऐसा प्रोग्राम होता है कि लोग मतलब कहीं भी है उनसे मुलाकातें होती है और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं वो। और मेरी एक प्लांट सहनाज नर्सरी है जो हमेशा उनके प्रोग्राम में हम प्लांट देते हैं उनको भी और कई लोगों को, एक सोशल वर्क होने के नाते भी मैं काम करती हूँ हर जगह पर। लेकिन शैलेश भाई का जो प्रोग्राम है ये कहीं कहीं से मतलब ऐसा स्टेज है कि जहाँ अगर गुमनाम भी है तो वो नाम यहाँ आके मिलता है। और मोना जी का भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ और हमारे भाई के दिलीप चंद भाई का तो मतलब क्या कहने, एक गाना तो बनता है भाई, बोलिए प्लीज़। डिमांड है, डिमांड है, तो मैं यही कहूँगा कि धड़कता था पहले भी दिल मेरा यूं ही, मगर इस अदा से मचलता ना था, यूं सीने में ऐसे दीवानों के जैसे कसम से यूं करवट बदलता ना था, कई बार मैं तेरी। तो इस तरीके से है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। महिलाओं के बारे में और शो के लिए भी सपोर्ट मिला कुछ कहा, क्या कहना चाहेंगी आज इस अवार्ड शो में आगे चलते हुए? देखिए, अवार्ड जब मिलता है ना तो एक बड़ा सम्मानीय होता है, मैंने स्टेज पे भी कहा जब सम्मानीय कोई होता है जब ही ऐसी चीज़ें हाथ में मिलती हैं तो जब पता लगता है हमने कुछ किया है। और रहा जैसे आपने कहा महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए, डेफिनेटली जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। जब मीडिया पे बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, क्योंकि एक दो नहीं सुनेंगे, ये पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड सुनता है। तो मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, सच के लिए आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो लेकिन मैं झूठ का कभी साथ नहीं देती। और शैलेश जैसे इंसान, जो एक इंसान मतलब बेचारे जो प्रोफेशन नहीं था, जो अपना चैनल से शुरू किया उन्होंने, आज इस मकाम पे पहुँचे, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि कोरोना में जो सफ़र किया है ना हमारी मीडिया ने, शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो ये मीडिया का ही बहुत बड़ा उपकार है जो हमारे जैसों की, जिसकी भी कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, अगर जिस दिन ये कैमरे बंद हो गए ना पता नहीं लगेगा कौन सा सेलिब्रिटी कहाँ रहता है। ये इसी मीडिया की ताकत है जो छोटे से और बड़े तक को प्लेटफॉर्म देती है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, मीडिया देती है ये प्लेटफॉर्म लोगों को। लोगों की ये गलत फहमी है, जिस दिन मीडिया के कैमरे बंद हो गए सारे आपके अवार्ड रिवॉर्ड बंद हो जाएंगे, तो मैं अपनी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शैलेश का बहुत बहुत आभार जो इतना बड़ा अवार्ड रखा। और संगीता बिजलानी जी भी आए हैं, काफ़ी सम्मानीय लोग आए हैं
और देखिए अवार्ड जब होता है तो सम्मानीय ही लोग आते हैं, ठीक है जिसको कोई है एक आध आ गया चलता है, लेकिन बहुत अच्छे और दिवाली के टाइम लोग आपस में मिल लेते हैं। ये सबसे बड़ा अच्छा ओकेजन हुआ कि दिवाली पे वैसे इकट्ठा नहीं हो पाते, आप कहीं मिले वो कहीं मिले, लेकिन ये जो माहौल है ना बहुत अच्छा लगा आकर। शैलेश को बहुत बहुत बधाई, हमेशा ऐसे ही करते रहें, और दिवाली की सभी देशवासियों को शुभकामनाएँ। और मैं ये कहूँगी पटाखे सोच समझ कर जलाइए, और सबसे गलती हमारी सरकार की है क्योंकि पटाखे बिकेंगे तो बेचे आप मार्केट में रखोगे तो बिकेंगे, और जो बिकेंगे तो वो जलेंगे भी, फिर आप कहते हो कि प्रदूषण कम करो, तो ये सरकार की नाकामी है। मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ, मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है प्रदूषण के मामले में, अस्थमा ब्रीदिंग ये बहुत ज़्यादा अभी क्रिएट होने वाला है, था लेकिन अब इतना होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतनी इतनी बड़ी स्टोनों की आपने परमिशन दे दी है तो वो बिकेंगी, उन्होंने लाखों का खरीदा है वो क्यों नहीं बेचेंगे, आप परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं बिकती थी। तो मैं सभी अपने देश भाई भाइयों बहनों से बच्चों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उस पैसे से मिठाई लाओ, कपड़े पहनो, अपने शौक पूरे करो, फटाके चला के कितना टाइम, 5-10 मिनट 1 घंटा, लेकिन आप अच्छी चीज़ें करो, किसी गरीब की मदद करो, कोई मिठाई नहीं ला सकता उसे बताशा ला के दे दो। तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ सबसे निवेदन है कि दिवाली को सोच समझ समझें और उसका महत्व समझें, आप वो रोशनी खुशियाँ देने का है, खुशियाँ लूटने का नहीं है। सो मैं बहुत बहुत बधाई फिर से शैलेश को देती हूँ और सभी को, सभी देशवासियों को वर्ल्ड में दिवाली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज अवार्ड जो रखा गया है ये यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों को, शहर के, मैंने देखा स्टेट से भी है, स्टेट के बाहर से भी लोग हैं। तो जब ये अवार्ड शोज होते हैं, बेसिकली अवार्ड शोज करते क्यों है, अवार्ड शोज एप्रिसिएशन होता है, जो भी इंसान जिस फील्ड का हो उस फील्ड में उसका एप्रिसिएशन करके बताया जाता है कि ये इंसान भरोसे के तबके का। तो ऐसे अवार्ड शोज करना और हर फील्ड के बेहतरीन लोगों को सराहना ये ज़रूरी है। देखिए महिलाओं के ऊपर बोलेंगे अगर आप सब्जेक्टिव लेवल से पूछेंगे तो ऑब्वियसली अवार्ड शो एक बेहतर तरीका है, किटी पार्टी से तो अवार्ड शोज बेहतर है, और इस तरीके अवार्ड शोज ज़रूर बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू जी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज अवार्ड मिला है और मुझे काम करने का प्रेरणा मिला है, इसलिए मैं जिस टीम को बुलाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ, मेरा नाम कमल खिमरे है और आज ही मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है कनाडा में, उसका नाम है प्राप्ति, और 40-41 सिनेमा हॉलों में ऑल ओवर कर्नाटका आज मेरी कनाडा फिल्म रिलीज़ हुई है, और आज ही मेरा एक एड रिलीज़ हुआ है बिग बास्केट का। तो आज के दिन सब तरह से खुशियाँ हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि संगीता बिजलानी जी के साथ हैं और अवार्ड भी मिल चुका है, तो आज का दिन सुपर धासू है। तो सब तरह से गुड न्यूज़ है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि चारों तरफ से खुशी आती है और कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से पंप फूटते हैं। तो एनीवे इट वाज ग्रेट ऑनर एंड आई विश जितने भी हमारे जो अवार्डीज हैं एंड नेशनल इम्पैक्ट अवार्ड के, तो आई थैंक देम वेरी मच, एंड अपने स्पेशली जयंती भाई जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, थैंक यू वेरी मच जयंती भाई, एंड गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव ए वंडरफुल इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आई एम संगीता आशी, द विनर ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड ड्रीम 2017 फ्रॉम रशिया, आई वॉन्ट द टाइटल फ्रॉम रशिया, एंड टुडे आई एम गेटिंग दिस अवार्ड फ्रॉम ब्यूटिफुल डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर मोनिका, एंड शी इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू रिसीव दिस अवार्ड स्पेशली फ्रॉम संगीता बिजलानी, इट मेक्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू मिस्टर शैलेश पटेल एंड MSJ टीम एंड द ऑर्गेनाइजर मोनिका सोनी, उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा शो किया है, और वी आर हेयर टू टेक द अवार्ड एंड आई एम हेयर टू टेक द अवार्ड एज अ शो स्टॉपर एंड एज अ शो डायरेक्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो
कार्यक्रम का जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको थैंक यू सो मच। आई थिंक ये मेरा उनके साथ सेकंड अवार्ड फंक्शन है और उन्होंने मुझे इस सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023-24 ये मुझे अवार्ड दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू। एंड आई एम डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा एंड आई एम फ्रॉम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार एंड ऑल्सो आई एम डू सोशल वर्क बिकॉज हमारे जो सुप्रीमो है उनका कहना है कि इवन इफ़ यू आर इन अ पॉलिटिकल पार्टी आप 80% सोशल वर्क करिए 20% पॉलिटिक्स करिए, तो हम उसी के रास्ते पे चलते आए हैं। और मैं सबको एक मैसेज दूंगी कि महिला सक्षमीकरण ये हमारा मोटो है, हम लोग महिला सक्षमीकरण में काफ़ी काम करते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम लोग काफ़ी महिलाओं को मतलब बताते हैं हमेशा कि मतलब उनके कैसे उनको मतलब अर्ली टेस्ट करना चाहिए, कैसे स्क्रीनिंग करनी चाहिए लेडीज़ में जो ब्रेस्ट कैंसर की वगैरह जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए उन्होंने कैसे करना चाहिए लोगों के मतलब काफ़ी हम लोग मेडिकल चीज़ें करते हैं, ये सब हम लोग करते हैं डॉक्टर सुभाष राणे मल्होत्रा फाउंडेशन इसके जरिए हम लोग करते हैं। और मैं आपको सबको एक मैसेज दूंगी कि अभी इलेक्शन नज़दीक आए है, 20 नवंबर को इलेक्शंस हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी आप कौन से पार्टी को वोट कर लीजिए, मगर ज़रूर आप उठ के टाइम निकाल के ज़रूर वोट कर लीजिए, जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है डू वोट एंड चेंज वट एवर चेंजेस आपको जो लाने। टू पटेल सर एंड कृष्णा सर, इट्स अ नेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2024. I'm very grateful that they have nominated me. They have seen my work. I'm a practicing lawyer at Bombay High Court, and I have seen fake cases. Due to that, I have pursued law, and I feel that there is no law for men. So I have secured few orders under fake rape cases, and also pursued one murder case of a 57-year-old woman had been booked under a murder charges. So I secured a bail order from Bombay High Court, and I pursued 30 to 40 gold ornament related. A lady had done a fraud with all ladies, and under that I had pursued secured their gold ornaments. And sir had observed all my work and nominated me. So I'm very grateful for that. And, thank you. आते हैं, थैंक यू सो मच नेवल फॉर दिस इंटरनेशनल सेंसेशन ईशान मसीह, तो ये तो आपको पता ही है वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्या कुछ कर रहे हैं दिवाली पर, क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं, प्लान है क्या? देखो मैं ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है मैं पूरा साल बहुत सारे पटाखे फोड़ता रहता हूँ, चाहे वो अनार बम हो, चाहे वो फुलझड़ी हो, चाहे वो सुतली बम हो, मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे आलू बम फोड़ना है दिवाली पे, तो लेट्स सी कि वो मेरी वेब सीरीज आने वाली है कि मेरा सॉन्ग आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी आदत पड़ चुकी है अवार्ड्स लेने की बैक टू बैक, बिकॉज वो डेली रूटीन मेरी सेट हो गई कि यस आज मेरा ये अवार्ड है, आज मेरा ये अवार्ड है। बट स्पेशली आई एम हेयर फॉर नेवल एंड थैंक यू सो मच नेवल फॉर दिस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मॉम। वो तो आप मॉम से पूछिए। हम लोगों को भी अवार्ड दिया तो अब ये है कि ऐसे अवार्ड मिलते हैं लोगों में एक और अच्छा काम करने की आगे जो है कैपेसिटी होती है, अच्छा काम करते हैं लोग। और हम लोग सैले जी के बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं, तो आज उन्होंने बहुत रिसेंट तरीके से सभी लोगों को अवार्ड उन्होंने दिलवाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप सबका भी थैंक यू सो मच। फैयाज कुछ नहीं, मेरा नाम फैयाज अली खान, हुआ फिल्म एक्टर, और यहाँ के आज शैलेश जी ने जो अवार्ड फंक्शन रखा था बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन था, उन्होंने सबको न्यू कमर्स को और बहुत अलग अलग फील्ड वाले लोग को अवार्ड दिया, और स्पेशली संगीता जी के हाथ से अवार्ड दिलवाया, तो ये बहुत एक अपने आप में यूनिक चीज़ थी, तो बहुत अच्छा लगा। और शैलेश जी को ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारे लेजेंडरी अली भाई और हमारे भाई अब्दुल्ला पठान ये मुरादाबाद से हैं, बहुत फेमस है, आपने इनकी बहुत सारी वायरल वीडियो देखी होंगी, खास करके मुरादाबाद से आए इस सम्मान समारोह में।
और अली भाई के बारे में आप जानती हैं कि माशाल्लाह लेजेंडरी एक्टर हैं, तो अली भाई को, शैलेश जी को और संगीता बिरलानी जी को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच में सुनील पाल जी भी हैं, सुनील पाल जी को शब्द हैं, सुनील पाल जी को बीच में लाइए। अली खान साहब इतना इवेंट में बिजी रहते हैं कि फ़ोन करो तो इनके घर वाले बोलते हैं ही इवेंट भाभी जी, बोले शी इवेंट फॉर इवेंट, बोले कहा तुम कौन हो, बोले सर्वेंट। तो इतना बिजी रहते हैं। और मैं समझता कमाल जो है मेरा दोस्त है, आज के इवेंट में कमाल ने मुझे बुलाया। कमाल वाकई कमाल है, मतलब ये समझ लो जी कि जब ये पैदा हुआ था तो इसके माँ बाप ने दाई से पूछा क्या हुआ, तो बोले कमाल हुआ। फैयाज़ के बारे में क्या, फैयाज़ के बारे में ये कहूँगा कि फैयाज़ एक बहुत ही स्वीट एंड कह सकते हुक्म का तामील करने वाला जो बंदा है, इतना हुक्म का तामील करता है कि तमिल इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाला है। एंड इनकी कोर्ट को देख के लगता है कि बहुत माल है, जहाँ माल वहाँ सुनील पाल। अभिषेक साहब से कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला बनी जाओ, बढ़िया से शादी कर लीजिए, कि बेगाना एक शादी में अब्दुल्ला सुना था, लेकिन अब्दुल्ला के शादी में ये बेगाना दीवाना हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अवार्ड मिलते रहना चाहिए, जिसको अवार्ड मिलता है उसको जोश आता है, मौज आता है, जिसके मौज और जोश मिलता है, आज के ज़माने में मोबाइल के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड किया जाता है, मिलता नहीं है, तो मुझे मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फिल्म, आने वाली फिल्म कॉफ़ी विद अलोन की तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं। उसमें मैं नहीं हूँ, तो मैं अकेले उस फिल्म में, अकेला मैं ही हूँ। फिल्म का नाम है कॉफ़ी विद अलोन और टैगलाइन है ये फिल्म कैरेक्टर लेस है। बड़ा बड़ा वो अवार्ड शो करें और सबको इन्वाइट करें, मैं दिल से उसे बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू। और मुझे यहाँ आके और सबसे ज़्यादा खुशी हुई संगीता मैम के हाथों से सम्मानित होके, क्योंकि हम लोग उनको देख के बड़े हुए हैं, आज उनके हाथों से अवार्ड मिलती है तो बहुत खुशी हो रही है। और अभी मेरी अल्ट बालाजी पे हॉरर मूवी रिलीज हुई है, 6 एपिसोड हो गया है, आप लोग जाके देखिए, बिल्कुल अच्छा है। अल्ट बालाजी का नाम सुन लिया मत देखना कि रॉन्ग वे में नहीं जाना, अच्छी मूवियाँ भी उस पर आती है, बहुत अच्छी मूवी मेरी हॉरर मूवी रिलीज हुई है बंद दरवाजा 2, तो आप लोग उस पर जाके देखें। और दिल से थैंक यू बोलती हूँ शैलेश पटेल जी को और संगीता मैम के हाथों से मिला है, थैंक यू सो मच। माई ऑर्डर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी को मैंने फ्रेंड दिया है और उसके लिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। फंक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय किया और इस मोमेंट को मैं बहुत यादगार रखूँगा, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, क्या कहना चाहते हो भैया इसके लिए? थैंक यू सो मच संगीता जी ने आज मेरे को अवार्ड दिया, मुझे अच्छा लगा बहुत, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। For inviting me as a guest of honor, I'm the founder of Marvel Events. Thank you. मैं मधु टक्कर लेडीज एक्सक्लूसिव ग्रुप से हूँ, देव गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मैं और अभी संगीता बिरलानी मैम से मिला, तो थैंक यू सो मच। और मैं लेडीज एक्सप्रेस ग्रुप से भी, हेलो, और मैं इंटरनेशनल ग्लोबल क्वीन भी हो चुकी हूँ 2023 की। नमस्कार, माय सेल्फ श्वेता सोलंकी एंड आई एम न्यू हियर इन मुंबई, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम दुबई, एक्ट्रेस एंड मॉडल एंड इट्स ग्रेट। सो आज आई गॉट एन अवार्ड एज एन बेस्ट इंटरनेशनल एक्ट्रेस एंड मॉडल, so I'm glad because you know India aate saath hi receiving some you know prestigious award, it's a great thing. Mere jitna bhi web series ya songs wagera jo bhi Dubai mein hai uske liye mujhe yahan India mein saraha ja raha hai, so I think that's the best thing. India mein kya istemal karne wale hain aap, kya aa chuke hain India mein, kya karne wale hain, kya plan kar rahe hain aap, mein kya maan hai? Yes, so already Bollywood ke kuch projects sign ho chuke hain and touchwood luckily you guys will gonna see me soon on television or maybe theaters. Thank you. के बारे में जो आपको आज मिला संगीता बिरलानी मैम के हाथों, आई मीन एक्ट्रेस, थोड़ा सा गई क्या? माय नेम इज फिरदौस खान, आई एम एक्ट्रेस सिंगर मॉडल, और शैलेश जी ने मुझे अवार्ड से सम्मानित किया तो मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ हर साल मुझे वैसे अवार्ड मिलते रहे, बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा इसी अवार्ड का
सुनील कापड़नीस, नासिक शहर से आई हूँ। मैं उत्तर महाराष्ट्र सौंदर्य समृद्धि विजेता भी हूँ। इससे पहले काफ़ी सारे अवार्ड अपने नाम कर चुकी हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में मेरा कार्यरत चालू रहता है। थैंक यू सो मच नेविन सर, थैंक यू सो मच संगीता मैम, और थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे हस्बैंड को जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सबा खान, फाउंडर ऑफ स्पार्कल ऑफ इंडिया के, और जैसे सैलिस मैंने जैसा प्रोग्राम रखा है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइज़र को आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे ही बेस्ट इवेंट करते रहना चाहिए, और थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेकअप वरनाज। तो मुझे ये अवार्ड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का मिला है। थैंक यू सो मच शैलेश सर, तो आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, थैंक यू सो मच शैलेश सर। तो मुझे ये अवार्ड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का मिला है, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जितने मेरे पार्टनर, मतलब मेरे पार्टनर है, चीफ गेस्ट है, मेरे अवॉर्डी, मेरे पार्टिसिपेट मॉडल्स, मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज उनकी वजह से आज मैं ये इवेंट सक्सेसफुल कर पाई हूँ। तो मुझे बस इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छा काम करूँ और भी अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज करूँ और आप सबको साथ में रख सकूँ। थैंक यू सो मच। शैलेश जी का जो कंट्रीब्यूशन है उनके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ जो ये इवेंट का बैकबोन बोल सकते हो आप उनको, ये इवेंट उन्हीं की वजह से ज़्यादा ये सक्सेसफुल हुआ है। जो आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी हूँ वो शैलेश जी की वजह से हूँ। अगर शैलेश जी नहीं हो तो शायद मैं इतना, मतलब ये इवेंट कम्प्लीट नहीं कर पाती। तो पूरा क्रेडिट मैं तो उनको ही देती हूँ कि उन्हीं की वजह से आज ये इवेंट हुआ है सक्सेसफुल। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमेशा आप लोग देखते हो, मगे वाले देखते हो, मेरे में जो चेहरे जो मेरे दिल के करीब मेरे से उससे कुछ आर्टिस्ट जो दिल में अपने रहते हैं उसके बाद काम करने में मजा आता है। तो लास्ट टाइम भाग्यश्री किया था, आप लोग देखे हमेशा जुड़े हैं। इस बार मन हुआ संगीता विजन याद करने का, तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने बोला मेरा शो आपको आना, वो आए और साथ में आप लोग आए, क्योंकि आप लोग का प्यार ही मेरे पास यहाँ तक लेके आया। बहनों का साथ तो रहता ही, लेकिन आप लोग नहीं हैं तो शायद ये मीडिया वाला यहाँ नहीं होता, नहीं होता, राइट। आज आप लोग का साथ है इसलिए मैं यहाँ हूँ। हालांकि ठीक है, स्लो गाड़ी है, बट ठीक है, गाड़ी सही आ जाएगी। बाकी पूछा बोलिए। मैं चाहती हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं शैलेश जी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाएं और सब लोगों को सम्मान करें और इससे भी बड़ा शो करें। थैंक यू मोनिका मैम को भी, एनसीएम को, जो इन्होंने शो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे फैमिली है। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त और बड़े बड़े शो करें और सब लोगों को सम्मान दे, इज्जत दे, और ये आज बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये अवार्ड शो, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। और दिल से थैंक यू बोलती हूँ शैलेश जी को, मोनिका जी को, मैम को, और संगीता बिजलानी मैम आई, उनके हाथों से हम लोगों को अवार्ड मिला, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और हमारी बैक टू बैक सीरियल मूवी आ रही हैं, आप लोग जाके देखिए, अल्ट बालाजी पे, जी टी वी पे, आईना भी चल रही है, दंगल पे। तो यही है, दिल से थैंक यू मेरे शैलेश जी को और मोनिका मैम को। सबसे पहले तो मैं शैलेश भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो शैलेश भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम किए और आगे भी हम इससे अच्छा प्रोग्राम करते जाएंगे। और मोनी जगता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों के वजह से लोगों को अवार्ड तो मिलते हैं लेकिन उनकी जान पहचान भी बढ़ती जाती है। और हमारा ये दुआ है कि आगे चल के और हमारे शैलेश भाई, मोनिका जी आगे बढ़े और हमेशा इनके साथ में है। और संगीता जी बिजलानी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और मैम का भी, पूजा मैडम का भी शुक्रिया। आगे आगे तो बेन आपने बोला तो बढ़ना है, ठीक है, आप पौधों को बढ़ना है तो हम दोनों पौधे ही हैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी बड़ी बहन हूं, और हमेशा मेरा एक शहनाज नर्सरी का पेड़ पौधों का नर्सरी है, जिससे मैं सबको हैप्पी दिवाली बोलूँगी। और इसके अलावा हमारे जितने भी मीडिया वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे हर काम में अगर आप लोग नहीं हैं तो फिर हम लोग बहुत पीछे हैं, और आप लोगों की बदौलत ही हम आगे हैं। और इसी हैप्पी दिवाली के इसमें मैं अपने जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अपनी शहनाज नर्सरी की तरफ से 500 आप लोगों को मैं जरूर दिवाली का बोनस इसके अलावा
आप लोग कभी भी मेरे शहनाज नर्सरी पे गोरेगांव में गोकुलधाम में आइएगा, आप लोगों का स्वागत है। और हर डिपार्टमेंट में या हमारे मीडिया वालों को, जो हमारे जो मेहनत करने वाले सोशल वर्क है, उनको 50% शहनाज नर्सरी के तरफ से डिस्काउंट है। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र और हैप्पी दिवाली। भी हमारे इवेंट की प्लानिंग है जो मैं जिनके लिए अभी एलाबरेट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज हमने प्लानिंग किया हुआ है दिसंबर का, जो हम ग्रैंड इवेंट करने के लिए सोच रहे हैं। सेलिब्रिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट हम डेफिनेटली इससे भी हम जितना आगे, मतलब आज जो इवेंट किया उससे थोड़ा एक स्टेप आगे अच्छे से करेंगे, और उसी चीज़ के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो बस इस तरह से सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। मोनिका जी को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने जितने भी आज से इवेंट किए हैं सब ग्रैंड एंड सक्सेस हुए हैं रियली। और हम लोग यहाँ पे आके मीन्स लाइक हम कोई भी यहाँ पे आके नहीं बोल सकता कि हम हैप्पी नहीं हैं। नहीं, सब लोग ऑलमोस्ट हैप्पी हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड मतलब शैलेश भाई जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा एक चीज़ है, मैंने देखा है आपा, मैंने काफ़ी शो में गया है, हम भी खड़े रहे, लेडीज जल्दी भड़कती है, मेरा पहला कर, लेकिन मेरे शो में तो छिड़ता नहीं है। नहीं, ये आती है गुस्से में, आपा भी आती है बाद में गले लगते, काम हमारा बन जाता है। नहीं, गुस्सा में नहीं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा जान है, मैं तो चाहती हूँ गॉड ब्लेस यू और बड़ा ये अवार्ड शो करे। तो मैं दिल से और मीडिया को थैंक यू बोलती हूँ, और मेरे जितने फैंस ऑडियंस हैं उनको हैप्पी दीपावली, वो भी इंजॉय कीजिए और पटाखे तोड़िए और हमें मिस कीजिए हमारे प्रोजेक्ट के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मोनिका जी को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने जितने भी आज से इवेंट किए हैं सब ग्रैंड एंड सक्सेस हुए हैं रियली। और हम लोग यहाँ पे आके मीन्स लाइक हम कोई भी यहाँ पे आके नहीं बोल सकता कि हम हैप्पी नहीं हैं। नहीं, सब लोग ऑलमोस्ट हैप्पी हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड मतलब शैलेश भाई जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा एक चीज़ है, मैंने देखा है आपा, मैंने काफ़ी शो में गया है, हम भी खड़े रहे, लेडीज जल्दी भड़कती है, मेरा पहला कर, लेकिन मेरे शो में तो छिड़ता नहीं है। नहीं होता, ये आती है गुस्से में, आपा भी आती है बाद में गले लगते, काम हमारा बन जाता है। नहीं, गुस्सा में नहीं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा जान है, मैं तो चाहती हूँ गॉड ब्लेस यू और बड़ा ये अवार्ड शो करे। तो मैं दिल से और मीडिया को थैंक यू बोलती हूँ, और मेरे जितने फैंस ऑडियंस हैं उनको हैप्पी दीपावली, वो भी इंजॉय कीजिए और पटाखे तोड़िए और हमें मिस कीजिए हमारे प्रोजेक्ट के। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much.